पता है जब हम लोग हग करते हैं तो उस फिजिकल टच से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं, जो कि बॉन्डिंग, लव, एम्पैथी को भी प्रमोट करता है और हम उस इंसान से और भी ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। सो माय जिंगी ट्राइब, लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल टच इन द रिलेशनशिप। हम बचपन से ही फिजिकल टच से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि एक मदर फर्स्ट टाइम जब अपने बेबी को होल्ड करती है, या हम बहुत ज्यादा खुश होकर अपने बेस्ट फ्रेंड को हाई फाइव देते हैं, क्योंकि फिजिकल टच के बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं। सो लेट मी टेल यू वन बाय वन। सो नंबर वन इज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। हम कई बार बिना बोले ही बहुत सारी बात समझ लेते हैं एक दूसरे की, लाइक जस्ट वन हग विद योर बेस्ट फ्रेंड कैन टेल यू कि आप ठीक हो कि नहीं। नंबर टू, एक गुड फिजिकल टच हमें स्ट्रेंथन एंड इमोशनल बॉन्डिंग में भी हेल्प करता है, बिकॉज जो हॉर्मोन्स हग करने में रिलीज होते हैं वही सेम हॉर्मोन्स हैप्पीनेस एंड बॉन्डिंग के टाइम भी रिलीज होते हैं। नंबर थ्री, एक अच्छा फिजिकल टच हमारे रिलेशनशिप में ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी भी क्रिएट करता है, बिकॉज जब पार्टनर्स एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो ये सिग्नल जाता है दैट दे आर प्रेजेंट एट द मोमेंट और एक दूसरे पे वो दोनों डिपेंडेबल होना चाहते हैं। एंड नंबर फोर्थ, विद अ फिजिकल टच वी कैन एक्सप्रेस लव, कमिटमेंट एंड डिवोशन। ये आपके पार्टनर को रीअश्योर करता है एंड शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ लव्ड वंस इन ईच अदर्स लाइफ। सो टेक योर ओन स्वीट टाइम टू डेवलप अ फिजिकल इंटीमेसी विद योर पार्टनर, नो रश एंड टोटली इंडिविजुअल कॉल। सो लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम with more fun, interesting and modern day stories of you for you.